बता दें आपको भोपाल से बड़ी खबर है, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। स्थानांतरण की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई की गई है। आरबीसी 6-4 में संशोधन हुआ है। केला क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि कर दी गई है। 33 नए सीएमराइज स्कूलों के निर्माण के लिए 1,335 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। दीनदयाल रसोई योजना में मामा की थाली भी मिलेगी। आइए आपको दिखवाते हैं कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा इस संदर्भ में पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं। जो है 24,000 करोड़ की सब्सिडी आज विद्युत विभाग के उसको दी गई है, और इसमें 18,000 करोड़ तो किसानों के लिए है और बाकी घरेलू उपदाओं को ये सब्सिडी दी गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है विद्युत सब्सिडी का। आज कैबिनेट के द्वारा उसकी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के द्वारा आज मेडिकल कॉलेज खोलने का ये 6 स्थानों पर निर्णय किया है। इसमें खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी जिले, इन सभी जिलों के अंदर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय आज कैबिनेट ने किया है। मैं यहां यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि इसके साथ ही अब जो जहां सैद्धांतिक स्वीकृति और कार्यों की घोषणा हो चुकी है, अब ऐसे 30 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर निर्माणाधीन है या प्रारंभ हो गए हैं, कार्य जिनका प्रगति पर है। ऐसे 30 मेडिकल कॉलेज हैं जो मध्य प्रदेश के, जी अपने आप में रिकॉर्ड है। आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के आने के पहले आजादी के बाद से तब तक कुल 5 मेडिकल कॉलेज भी ठीक से मध्य प्रदेश में नहीं थे, और ये प्रगति आप देखें, 30 मेडिकल कॉलेज आज मध्य प्रदेश के अंदर खुल गए हैं। इसी तरह से आज प्राइस सपोर्ट स्कीम जो मूंग और उड़द की है, उस मूंग और उड़द के लिए खरीदी के लिए मंडी शुल्क में छूट, निराश्रित शुल्क में छूट देने का किसानों के लिए आज ग्रीष्मकालीन मूंग और ग्रीष्मकालीन उड़द के लिए छूट देने का मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। हमारे यहां पर आज बूंदिया, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास हेतु आज 1,700 करोड़ रुपए की राशि नगरपालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के लिए, ये हमारी जो चतुर्थ चरण था मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना का, इसको आज कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत किया गया है। ये 1,700 करोड़ रुपए देके एकदम काम गति सारी नगरपालिका, नगर पंचायत में आ जाएगी। इसी तरह से सीप अंबर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना फेज 2 लागत जिसकी 190.11 करोड़ थी और सिंचाई का रकबा उसका 13,457 हेक्टर था, उसको स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। आज अन्य निर्णय में जो हमारा लोक परिसंपत्ति विभाग है, उसमें ये जिला सागर की वार्ड नंबर 5 ग्राम तिल माफी की भूमि है, इसे 10,35,55,500 रुपए में देने का कैबिनेट के द्वारा किया है, और यह 100% राशि जमा होने पर कलेक्टर इसे देंगे। दूसरा, लोक सरपंच परिसंपत्ति विभाग में वार्ड क्रमांक 13 सुसनेर जिला आगर मालवा का है, इसे 7,41,56,000 में दिया है, 100% राशि जमा करने के बाद में वो अनुबंध रजिस्ट्री की जाएगी। इसी